दिल्ली खाते लोकसभा सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति अंगे टिप्पणी करवामां आवी हती। जे निवेदन ने लईने भाजप परिवार में भारी रोषनो माहौल जोवा मळ्यो हतो। सूरत जिला भाजप द्वारा कडोदरा चौरस्ता खाते विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो अने कांग्रेस नेता पुतळा दहन करी सूत्रोच्चार करी सोनिया गांधी माफी मांगे तेवी मांग पण करवामां आवी छे। सूरत जिला भाजपना कडोदरा चौरस्ता खाते मोटी संख्या में आगेवानो अने कार्यकरोए भेगा थई पोतानो रोष ठालवता विरोध प्रदर्शन कर्यो हतो। सूरत जिला भाजप प्रमुख संदीप देसाई अने गुजरात सरकारना मंत्री मुकेश पटेल कडोदरा पालिकाना प्रमुख कारोबारी अध्यक्षनी आगेवानीमां कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। कडोदरा चौरस्ता खाते पोलीसनी हाजरीमां कांग्रेसना विरोधमां नारेबाजी करी अने अधीर रंजन चौधरीनुं पुतळा दहन पण करवामां आव्यो हतो। सूरत जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पक्षना नेता अधीर रंजने जे रीते देश राष्ट्रपति अपमान कर्यु अने आ राष्ट्रपति अपमान समग्र देश अपमान है। त्यारे आ भारतीय जनता पार्टी आवा कांग्रेस नेताओं ने आवा एनडीए ने वखोड़ी नाखे छे अने अमे अहींया बधा भारतीय जनता पार्टी ए अधीर रंजन राय माफी मांगे એના માટે અમે કરીએ છીએ કે એને માફી અવશ્ય માગવી જોઈએ। દેશના રાષ્ટ્રપતિનું અપમાન ક્યારે ના હોઈ શકે। આપ જોઈએ કોંગ્રેસ બોખલાઈ ગયેલી કોંગ્રેસ છે, કોંગ્રેસની વાણી વિલાસ હવે રહ્યો નથી, પરંતુ જે રીતે આ જે અપમાન કર્યું છે એ અપમાન ભારતની જનતા ક્યારે સાકી નથી લેવાની।